दूध वाले की साइकिल से कर डाली इतनी कमाई कि दुनिया हैरत में आई। कभी साइकिल पर किट बैग रखकर खेलने जाते थे किंग कोहली, आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करने के लेते हैं 5 करोड़, पीते हैं 5,000 रुपए लीटर का पानी। गाड़ी और घड़ी का इतना बड़ा शौक है कि शाहरुख सलमान से भी महंगी है कार, हवा से करती है बात। जिद्दी इतने कि कभी हो गए थे कोच और मां से नाराज, अब अनुष्का को करते हैं बेहद प्यार। कप्तान बनने पर जब कोहली वापस आए, पुराने दिनों को याद करके कोच के सामने क्यों आंसू बहाए, कोच को बताई दिल की बात, बाहर आ गए दिल के जज्बात। वो जिद जिसने विराट को बनाया कोहली से किंग कोहली, जी जिस कोहली को आज क्रिकेट का किंग कहा जाता है, जिसे दुनिया सलाम करती है, उस कोहली की इस कामयाबी के पीछे की एक कहानी वो भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हाल ही में कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने विराट कोहली के शुरुआती दिनों की वो अनसुनी कहानी बताई है जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। माँ से लड़ाई, सीनियर के साथ खेलने के लिए कोच से जिद, फिर टीम इंडिया के कप्तान बनने के बाद कोच को फोन करके रोना, ये कहानी सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। तो चलिए आपको कोहली के शुरुआती दिनों की उस अनसुनी कहानी के बारे में बताते हैं। दरअसल कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने कहा, 30 मई 1998 को वो अपने भाई और पिता के साथ मेरे पास आया। कुछ ही दिनों में हमें लगा कि वो औरों से अलग दिखने लगा था। वो खेल के मैदान पर हमेशा एक्टिव रहता था, साथ ही बहुत शरारती भी था। वो जो भी ठान लेता था उसे करता था, साथ ही खेल को लेकर समर्पित भी था। कोच ने बताया कि उसमें गजब का आत्मविश्वास था, उस वक्त उसे देखकर लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है। इसी दौरान कोहली के कोच ने एक दिलचस्प खुलासा भी किया कि जूनियर टीम के साथी विराट कोहली को कभी आउट नहीं कर पाते थे, इससे कोहली परेशान हो गया और एक दिन वो मेरे पास आया और कहा कि वो सीनियर ग्रुप में खेलना चाहता है। मेरे मना करने के बाद वो जिद करता रहा और फिर मैंने उसे मौका देने का फैसला किया। उस वक्त उसकी जिद को देखकर मैं भी उससे चिढ़ गया था, लेकिन सीनियर्स के साथ उसने अच्छा खेल दिखाया। एक बार उसे छाती पर चोट लग गई थी, लेकिन उसने अपनी माँ से कहा कि मैं सीनियर्स के साथ खेलूंगा चाहे जो भी हो जाए। कोहली की वही जिद उन्हें खास बनाती है। राजकुमार शर्मा ने कहा कि उसके पास ईश्वर की दी हुई प्रतिभा है। इसके आगे राजकुमार शर्मा ने कहा, जब विराट सभी फॉर्मेट में कप्तान बना तो उसने मुझे फोन किया और पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक हो गया। कहा कि सर, मैं किट बैग को सामने रखकर साइकिल पर आता था, तब मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। राजकुमार शर्मा ने कहा कि वो पल मेरे लिए बहुत भावनात्मक पल था। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया था। कोहली ने 2013 में पहली बार वनडे में टीम इंडिया की कमान संभाली थी। कोहली की एक कहानी उनके बचपन के दोस्त शरद सोंधी ने भी शेयर करते हुए कहा, हम 5वीं कक्षा में मिले थे, हमारी टीम का ऊना में स्टेट मैच था और विराट 190 पर खेल रहा था। उसे उस पारी में अपने दोस्तों ने पूरे करने थे और विकेट गिर रहे थे। जब मैं बल्लेबाजी के लिए आया तो विराट ने कहा कि आपको बस खड़ा होना है और बाकी मैं संभाल लूंगा। शरद बताते हैं कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो भारतीय क्रिकेट टीम का अगला वर्जन है और आगे चलकर महान बनेगा। कोहली को जानने वाले बताते हैं कि वो बचपन से खेल के लिए बहुत जुनूनी थे, इसी जुनून ने आज उन्हें क्रिकेट के मैदान का किंग बना दिया। जो कोहली कभी दूध के साइकिल पर किट बैग लेकर आता था, आज वो करोड़ों की गाड़ियों में चलता है, 5,000 लीटर का पानी पीता है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के करोड़ों रुपए लेता है। ये सब कुछ अगर हुआ तो उसके पीछे कोहली की लगन और मेहनत है। आपका कोहली की इस स्टोरी पर क्या कहना है, कॉमेंट करके जरूर बताएं।